नहीं है, सवाल उनकी मानसिकता का है, सवाल साइकोलॉजी का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये दोनों अपराध को मिलाने को, दोनों अपराध को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा, हमको इस गंभीरता को समझना पड़ेगा कि यह सब कुछ आ कहां से रहा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह बात कही और सचिन जी भी ने अपनी बात में इस बात को कहा कि हम मानते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं। अगर हम ये सोचते हैं, हमारे सोच में है कि धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती है, तो धन की देवी जब लक्ष्मी थी तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, यह प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब विद्या की देवी सरस्वती हैं तो महिला और पुरुष को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। यह जब हम सोचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है, नागरिकता का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, राजनीति में शामिल होने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है। जो लोग उस वक्त आंदोलन को चला रहे थे, ये उनकी सोच थी कि अगर हमारी महिलाओं के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है, जब कस्तूरबा के साथ गांधी गए चंपारण तो कस्तूरबा से गांधी ने पूछा कि ये बताओ कि हमारे प्रोग्राम में महिलाएं क्यों नहीं आती हैं, तो कस्तूरबा ने बताया कि इतनी ज्यादा गरीबी है कि बाहर जाने के लिए एक ही साड़ी है, सारी महिलाएं एक बार बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो सारी महिलाओं को छोड़ करके कोई एक बाहर नहीं आना चाहता है। और एक कहानी बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, उससे आप वस्तु स्थिति को अपने आप समझ जाएंगे। एक बार मेरे घर में शादी थी, सारे मर्द को बारात जाना था। ये आज शुरू हुआ है कि अब जो है बेटे की शादी में मां भी बाराती बनती है और बहन भी बाराती बनती है, पहले यह नहीं होता था। मेरे बचपन में जो मुझे याद है कि जब शादियां होती थी घरों में तो सारे मर्द चले जाते थे और सारी औरतें रुक जाती थी। मेरी तबीयत खराब थी और मैं उस दिन जो है बारात में नहीं जा पाया, बुखार था बहुत तेज और घर में मैं सो रहा था। कुछ देर के बाद मैंने ये देखा जब बारात चली गई है तो हमारे घर में गाने की आवाज आ रही है, थालियां बज रही हैं, ढोलक बज रहा है और लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कौतूहलता बस, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं जाकर के चुपचाप दरवाजे के पास जाकर के देखने लगा और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, अपनी एक एक सांस दी, खून दिया, पसीना दिया, 9 महीने पेट में रख करके पैदा किया, रोज खाना खिलाया, पखाना साफ किया, पढ़ाया लिखाया, वो मेरी माँ गाती है ये मुझे मालूम ही नहीं था। वो मेरी बुआ जिसकी गोद में मैं पला, वो बुआ जो है डांस करती है मुझे पता ही नहीं था। और वो जो एक फोक कल्चर है, वो फोक कल्चर इतना मजबूत है कि वो वक्त मिलता था महिलाओं को अपने भीतर के श्रृंगार को प्रकट करने का, अपने भीतर के प्रेम को प्रकट करने का। जिस समाज में आपको आपकी भावना प्रकट करने का अधिकार नहीं हो, उस समाज में महिलाओं को राजनीति में लेकर के आना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, यह जो विचार वाली बात है, जो यह कहता है निर्भया कांड के दौरान कि अगर वो उस बलात्कारी को भैया भैया कह करके माफी मांगती तो उसकी जान बच जाती, उसी मानसिकता के लोग जब आज सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि निर्भया के न्याय के लिए जो कानून आया वो कानून बन पाता। वो कानून इसलिए बन पाया क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में था। इस बात को याद रखिएगा। यह प्रतिनिधित्व का सवाल है, यह नेतृत्व का सवाल है कि अगर नेतृत्व इस देश में इंदिरा गांधी के हाथ में रहा, नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में रहा तो महिलाओं को आगे बढ़ने का हक मिला। और नेतृत्व आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो पत्नी छोड़ करके भाग गया तो महिला अधिकार का क्या होगा, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। इसीलिए मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूं। अपराध कहीं भी हो सकते हैं, अपराध छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, मणिपुर में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन अपराध के बाद पुलिस की कार्रवाई कैसे हो रही है, सरकार उस पर क्या बोल रही है,
जिस पार्टी की सरकार है उसके स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं, इस बात पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दल का फर्क नहीं है, विचार का फर्क है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम समानता में भरोसा रखते हैं, अगर हमको लगता है कि बलात्कारियों को मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और एमपी नहीं बनाना चाहिए, तो 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव हम महिलाओं के लिए, हम तमाम नागरिकों के लिए, इस देश के अस्तित्व का सवाल है, संविधान के अस्तित्व के सवाल है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेकारी हो, उन तमाम सवालों को लेकर के हमको घर घर जाना है। और जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, समान अवसर का, सम्मान का, एकता का, भागीदारी का, उसको हमको आगे लेकर के जाना होगा। और जो नारा आपने लगाया है, आधी आबादी पूरा हक, अपनी पार्टी और NSY की तरफ से इस मांग के साथ हम पूर्ण समर्थन